हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है यासीन नरासी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज़। ये न्यू मणिपुरी सॉन्ग है, आई थिंक कल या परसों ही रिलीज़ हुआ है। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके चैनल का और इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। NFM स्टूडियो। अच्छा, इसका सजेशन हमारे दो तीन फ्रेंड्स है, एनजी ड्रम है आई थिंक उनका नाम, और दूसरा संजय भाई है, और भी एक फ्रेंड है उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने दिया था। वाह, क्या जबरदस्त शूट किया है इस लोकेशन पे। मणिपुरी सॉन्ग में इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस होते हैं। मैम, इनका नाम क्या है? ये तो मिस इंडिया बन सकती है, इतनी ब्यूटीफुल है। इंडिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे साउथ की हो, मराठी हो, बॉलीवुड हो, या मणिपुरी हो, या पंजाबी हो, या भोजपुरी हो, सबसे ब्यूटीफुल हीरोइंस कहीं होंगी तो मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होती है। उनकी सारी के सारी हीरोइंस इतनी ब्यूटीफुल है, बस इंसान उनको देखे तो उनको प्यार में पड़ जाए। म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है सॉन्ग का। वाओ वाओ, क्या जबरदस्त शूट किया है इस जगह पे। कैमरामैन और डायरेक्टर का बहुत ही जबरदस्त काम है यहाँ पे। मैम की आवाज बहुत ही जबरदस्त है। इस सॉन्ग का म्यूजिक और सिंगर की आवाज ऐसे आपके दिल की धड़कने बढ़ाने वाली है। ढोल का क्या ब्यूटीफुल यूज किया है जगह पे। मैम के एक्सप्रेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। बॉयज रात को सो नहीं पाएंगे, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। Oh.
तो फ्रेंड्स ये था सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था। सच में मैं हैरान रह गया हूँ इस सॉन्ग को देख के। पहले बात करूँगा म्यूज़िक की और सिंगर की, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। पर बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक था इसका। ऐसा लग रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका बहुत कम यूज़ किया गया है, और जो हमारे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जैसे वायलिन, ढोल हो और बाकी इंस्ट्रूमेंट। वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, और सॉन्ग जैसे सुनने में हेडफोन पे भी उसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मैम की आवाज़ बहुत ही स्वीट है, जैसे कानों में हनी घोल दे इस तरीके से उनकी आवाज़ लगती है। और इस म्यूज़िक के साथ उनकी आवाज़ आपकी धड़कने बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बात करूँगा मेल और फीमेल एक्टर की, दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले बात करूँगा फीमेल एक्टर की, वाओ, मैं उनको फर्स्ट टाइम जैसे उनको देखा मेरे मुंह से वाव निकला, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी उनका फेस, उनकी आईज़, वाव, उनके लिप्स, और जिस तरीके के उनकी फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और उनके फेस के एक्सप्रेशंस इतने ब्यूटीफुल थे कि रात को नींद ना आए किसी भी बॉयज़ को जो जब उनको देखे। इतने ब्यूटीफुल उनके आईज़ और उनके एक्सप्रेशंस थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और उन कॉस्ट्यूम में वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, रेड कॉस्ट्यूम में, वो देख के मेरा दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बात करूँगा सर की, सर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, सर भी हैंडसम लग रहे थे, और उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बात करूँगा लोकेशंस की, क्या बात करूँ, जब भी मैं मणिपुरी सॉन्ग हमेशा मैं बोलता हूँ कि इस सॉन्ग में तो वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी उससे भी बहुत आगे निकल चुका है ये सॉन्ग। यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, रिवर का व्यू दिखेगा आपको, यहाँ पे जैसे ग्रीनरी होती है वो दिखेंगी, और जैसे वाटरफॉल वाला सीन है वो भी दिखेगा, और लास्ट वाला सीन है जो एरियल व्यू लिया गया है, दोनों एक दूसरे के पास चल के आते हैं, वो वाला भी रिवर के किनारे वाला ही है, वो भी इतना ब्यूटीफुल था। लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और हमेशा मणिपुरी सॉन्ग में लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और इस सॉन्ग में उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बात करूँगा कैमरे एंगल्स की, मैंने इससे बेटर शूट कोई भी सॉन्ग नहीं देखा है। इतना ब्यूटीफुली कैमरा एंगल्स लिए हैं, जिस तरीके से मैं जहाँ जहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था उस टाइम मैं बोलता था कि वाह कैमरा एंगल किस तरीके से शूट किया है। मैं वीडियो के बीच में भी बोल रहा था, और बहुत ही ज़बरदस्त शूट किया गया इस सॉन्ग को। मैं यहाँ पे कैमरामैन और डायरेक्टर साहब को सच में सैल्यूट करने का मन कर रहा है, कि दोनों की जो स्किल है, दोनों की जो क्या टैलेंट है इस सॉन्ग में दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है कैमरामैन भी और डायरेक्टर साहब। लाजवाब आपका काम रहा, आप सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए। और मेरा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी मणिपुरी प्रोड्यूसर्स है और उनसे कि सबटाइटल ज़रूर डाला करें, पूरे लिरिक्स समझ में नहीं आते। मैं इतने दिन से मणिपुरी सॉन्ग्स पे रिएक्शन दे रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर मणिपुरी सॉन्ग इतने ब्यूटीफुल होते कि बाहर स्टेट में भी देखते लोग, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि लिरिक्स और जब सबटाइटल होंगे तो उसके हिसाब से लोगों को फिर समझ में आना स्टार्ट होता है। ओवरऑल वीडियो की बात करूँ तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, सिंगर की आवाज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त थी,
दोनों की एक्टिंग, खासकर मैम बहुत उन्होंने तो आग लगा दी है इस सॉन्ग में। और लोकेशंस, कॉस्ट्यूम और कैमरा एंगल्स, डायरेक्शन, हर चीज़ लाजवाब रही है यहाँ पे। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सॉन्ग। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।